हाय, दिस इज पूनम शर्मा एंड वेलकम टू सद्भावना न्यूज। राहुल गांधी ने पीएम केयर्स पर तंज कसते हुए ट्वीट किया, कोरोना काल में भाजपा सरकार ने एक से एक ख्याली पुलाव पकाए, 21 दिन में कोरोना को हराएंगे, आरोग्य सेतु ऐप सुरक्षा करेगा, 20 लाख करोड़ का पैकेज, आत्मनिर्भर बनो, सीमा में कोई नहीं घुसा, स्थिति संभली हुई है। लेकिन एक सच भी था, आपदा में अवसर, पीएम केयर्स। इस ट्वीट पर आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस के नेता दीपक चौधरी और बीजेपी के नेता किशोर वीरवानी। आइए देखते हैं इस ट्वीट पर इनकी क्या प्रतिक्रिया है। राहुल गांधी जी, कोरोना एक महामारी है जो पूरी दुनिया में घर कर गई है, जिसने ऊंच नीच या पार्टी बीजेपी कांग्रेस सपा बसपा नहीं देखी है। इस कोरोना कार्यकाल में कई बड़ी बड़ी हस्तियां काल के गर्त में समा गई है। कई बेचारे गरीब जिनका कोई नाम लेवा नहीं है, उनका अस्तित्व नहीं रहा, वे भी काल की गर्त में समा गए हैं। आप महोदय हमेशा एक ही चश्मे से देखते हैं, सोचते हैं, बोलते हैं, आप इसमें कोई सुझाव बताते नहीं है, इसमें भी आप अपनी राजनीति के अवसर तलाशते हैं। कुछ आपका नेता होने में नाम भी लेना चाहता हूँ उनके, लेकिन कुछ नेता होने कुछ जो रुपये के बल पे सरकार गिरा दी गई है, वो सरकार गिराने का आज वोट के नाम पे कमलनाथ जी ने वापस अपना टिकट रखा। कमलनाथ जी ने बोला कि वोट के नाम पे मैं सरकार वापस बनाऊंगा, और कमलनाथ जी राहुल गांधी के नेतृत्व में, सोनिया गांधी के नेतृत्व में ये सरकार पूर्णता से बहुमत से वापिस 27 से 27 सीट मेरे कांग्रेस के पक्ष में आएगी। में कोरोना काल में आज की तारीख में ये सभी नेताओं को पूरे देश को कगार के नाम से छोड़ दिया। छोटा नेता, छोटा अधिकारी, छोटा बेचारा बीजा परेशान हो गया कोरोना के नाम पे, वसूली हो रही है देश में सभी तरफ से, नगर निगम के ऑफिस वाले क्या सभी आए थे आम लोगों को परेशान कर रहे हैं कोरोना के नाम पे, जो मास्क नहीं लगाया, मास्क नहीं लगाए, हर बार माथापोची हो रही, लोगों रोडों पर झगड़ा हो रहा है इसी विषय में। पावर्ड बाय आर्थ्रोस क्लिनिक, a dedicated center for arthroscopy and sports injuries.